हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 1 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, जैसे कि मैं रोज़ पूछा करता हूँ। पहला था, काजिंद 2019 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों पिथौरागढ़, उत्तराखंड में, भारत और कजाकिस्तान के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट था, दुनिया की व्यस्तम एयरपोर्ट रैंकिंग में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है? तो यह है 12वें स्थान पर। ओके, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया दोस्तों 29 सितंबर को। कब मनाया गया? 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों हृदय रोग और स्ट्रोक से संबंधित जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, हार्ट डिसीज़ होती हैं या प्रॉब्लम होती हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है ये वर्ल्ड हार्ट डे। और इस बार के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम रखी गई थी माई हार्ट योर हार्ट। क्लियर है, थीम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका थीम पूछा जाता है। ओके, अब दोस्तों ये है इम्पॉर्टेंट डे। अब हम लोग इस मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डे आए हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे जल्दी से। दोस्तों इस मंथ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे आए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। फिर 8 सितंबर आया जब मनाया गया था साक्षरता दिवस। 10 सितंबर को दोस्तों मनाया गया था आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को मनाया गया था हिंदी दिवस। इसके बाद 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, फिर 18 सितंबर आया था जब बांस दिवस मनाया गया था। ठीक है, फिर 21 सितंबर को मनाया गया था शांति दिवस और 22 को मनाया गया था रोज़ डे। ठीक है, इसके बाद 26 आया था, 26 को मनाया गया था दोस्तों समुद्री दिवस। ठीक है, और 27 को मैंने बताया था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर को, जब मनाया गया था पर्यटन दिवस। क्लियर है। 28 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है। इसकी थीम के साथ मैं आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करूंगा जब मंथली वीडियो आएगी, उसमें आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर नामक मोबाइल अस्पताल शुरू किया, इसका उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर के नाम से एक मोबाइल अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये मोबाइल हॉस्पिटल है, मतलब मूवेबल है। अब इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में एक डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल्स की टीम उपलब्ध रहेगी हमेशा। ठीक है, और जो सीरियस रूप से, गंभीर रूप से बीमारियों से पीड़ित होंगे, वहाँ पर गंभीर रोगी होंगे, सीरियस पेशेंट होंगे, उनको, उनका इलाज किया जाएगा। जब उन पर काबू पा लिया जाएगा तब उनको BHU में रेफ़र कर दिया जाएगा, या फिर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है, श्री काशी विश्वनाथ आरोग्य मंदिर का। क्लियर है। अब पिछले कुछ दिनों में यूपी क्यों क्यों चर्चे में आया था, इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों यूपी आया था, यूपी पुलिस एक बार चर्चे में, जब उसने सी प्लान ऐप लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? सी प्लान ऐप। इसके बाद दोस्तों यूपी चर्चे में आया था जब उसने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी लखनऊ में। ठीक है, जो कि इस साल के अंत तक शुरुआत हो जाएगी, उस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में खोला जाएगा। इससे पहले भी एक बार चर्चे में आया था यूपी, जब आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा किया था। कौन सा? आवासीय विद्यालय यूपी में ही खुलेंगे। क्लियर है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानिए। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। ओके, यहीं पर है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी। अब देखते हैं हम लोग किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों यूपी जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ये सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा शेयर करता है, 8 राज्यों से और 1 केंद्रशासित प्रदेश से। ठीक है, देखते हैं किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये दोस्तों उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा बॉर्डर लगाता है, हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और इधर बिहार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ ही 1 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली से भी अपना बॉर्डर ये शेयर करता है।
क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 का आयोजन किया गया दोस्तों मुंबई में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया 7वें विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2019 का। ये इस बार का 7वां संस्करण था। और ये दोस्तों जो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिकल फोरम था 2019 का, इस बार की थीम क्या थी ये पूछी जा सकती है आपसे। तो इस बार की थीम थी प्रॉस्पेरियस सोसाइटी स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। क्लियर है। अब ये है दोस्तों आयोजन, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आयोजन को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गोवा में अभी कल की वीडियो में मैंने बताया था WHO और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों कोलकाता में 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाना है नवंबर में। कब? नवंबर में करना किया जाना है कोलकाता में 5वां विज्ञान महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय। इसके पहले दोस्तों नई दिल्ली आया था जब 5वां रामायण महोत्सव आयोजित किया जाना था। नई दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें आयोजित हुई जिसके बारे में मैंने आपको कल लिखने को भी कहा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड का नाम रखा है। तो दोस्तों इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अभी हाल ही में भारतीय जो शास्त्रीय गायक हैं पंडित जसराज जी, इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का एस्ट्रॉइड का नाम रखने का निर्णय लिया है। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही हैं पंडित जसराज जी। ये काफ़ी फेमस क्लासिकल सिंगर हैं ये इंडिया के। इनको दोस्तों पद्म विभूषण भी मिल चुका है और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी मिल चुका है पंडित जसराज जी को, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से एक क्षुद्र ग्रह का नाम एस्ट्रॉइड का नाम रखा जाएगा। क्लियर है। अच्छा अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं आपको पता है? ये दोस्तों ग्रहों की तरह ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे मात्रा में होते हैं और बेसिकली ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। क्लियर है। अच्छा अभी कल की वीडियो में एक क्वेश्चन आया था रमन सैट नाम का एक स्मॉल उपग्रह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा ने, उसको भी याद रखिएगा। रमन जानते हैं आप लोग, CV रमन के नाम पर उनका नाम रखा गया था, उस सैटेलाइट का नाम रखा गया है उनके सम्मान में। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीनगर के किस फुटबॉल क्लब के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री को बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों रियल कश्मीर FC नाम का एक फुटबॉल क्लब है श्रीनगर में, जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी और उसको बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसको? श्रीनगर के रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को, ठीक है। ये बाफ्टा पुरस्कार क्या होता है? बाफ्टा दोस्तों होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड, ठीक है। क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड। तो दोस्तों ये फिल्म के क्षेत्र में ब्रिटिश की एकेडमी द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड इंटरनेशनली, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों फिल्म की बात आई है, दो चीज़ हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्री से हम लोग रिवाइज़ करेंगे। डॉक्यूमेंट्री अभी मोती बाग के नाम से एक आया था चर्चे में, जो कि उत्तराखंड के किसानों पर बनी थी, एक किसान पर बनी थी एक डॉक्यूमेंट्री, जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है मोती बाग, ठीक है। उत्तराखंड के एक किसान पर बेस्ड थी, इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों ऑस्कर आया है तो एक पॉइंट और रिवाइज करेंगे कि भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजा गया है गली बॉय को। किसे भेजा गया है? गली बॉय को भेजा गया है ऑस्कर के लिए भारत से, ठीक है, इंडिया से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की बैंक ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर स्मारक सिक्के जारी किए? तो अभी हाल ही में नेपाल की जो राष्ट्रीय बैंक है दोस्तों, नेपाल राष्ट्र बैंक यानी NRB, ठीक है, नेपाल राष्ट्र बैंक, इसी ने दोस्तों अभी हाल ही में गुरु नानक जी की 550वीं जयंती पर, किस भी 550वीं जयंती के अवसर पर 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। कितने? 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। अब ये जो 3 स्मारक सिक्के हैं इसमें 100 का है सिक्का, 1000 का है और एक है 2500 का। ये 3 नेपाली रुपयों का सिक्का है, ठीक है, नेपाली रुपयों का है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसको जो वहाँ के गवर्नर हैं नेपाल राष्ट्र बैंक के डॉक्टर चिरंजीवी जी, उन्होंने ही इसको जारी किया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और दोस्तों इसी के अवसर पर एक बुक भी लॉन्च हुई है, उस बुक का नाम याद रख लीजिए, हो सकता है पूछ लिया जाए।
उस बुक का नाम है सिख हेरिटेज ऑफ नेपाल। क्या है? सिख हेरिटेज ऑफ नेपाल नाम का एक पुस्तक भी लॉन्च किया गया इसी के अवसर पर। अब आया है नेपाल। पिछले दिनों ये नेपाल क्यों चर्चे में था, तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, आज के 2-3 महीने तक जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ के लिए ये पूछा जा सकता है। जब भी नेपाल का नाम आए आप लोग याद रखेंगे मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन भारत की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन थी, आपको पता होगा, जिसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जी ने। ठीक है, तो ये बिहार के मोतिहारी से अमलेखगंज तक नेपाल तक पेट्रोलियम पाइपलाइन थी। क्लियर है? नेपाल आया है तो नेपाल के बारे में और जानिए डिटेल में। मैप में देखिए, ये रहा भारत का पड़ोसी देश नेपाल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, और काठमांडू यहाँ की राजधानी है। नेपाली रुपया होती है यहाँ की करेंसी। राष्ट्रीय पंचायत है यहाँ की संसद का नाम। यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी जी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज डे दोस्तों मनाया जाता है 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस। WHO द्वारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे मनाया जाता है दोस्तों, विश्व भर में रेबीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब ये रेबीज क्या होता है? तो रेबीज दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी कोई जानवर किसी व्यक्ति को काटता है, बेसिकली जैसे कुत्ता बंदर वगैरह हो गए, तो इनके लार में रेबीज पाया जाता है, जिसकी वजह से रेबीज के टीके वगैरह लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो रेबीज के टीके की जिसने खोज की थी लुई पाश्चर जी ने, उन्हीं का निधन हुआ था दोस्तों 28 सितंबर को, और इसी वजह से 28 सितंबर को उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है रेबीज दिवस। ठीक है, लुई पाश्चर जी ने रेबीज के टीके की खोज की थी, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट डे के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले नेपाली खिलाड़ी बन गए हैं पारस खटका। कौन? पारस खटका, ये नेपाल के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में सिंगापुर के खिलाफ 52 गेंदों में बना दिए हैं 106 रन। कितने? 52 गेंदों में 106 रन बना दिए और ये नेपाल के पहले खिलाड़ी बन गए T20 के इंटरनेशनल मैच में शतक लगाने वाले, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेपाल के बारे में हम लोग जान लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भौतिकी के वैज्ञानिक को MP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों थानू पद्मनाभन को, किसे? थानू पद्मनाभन को MP बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, और ये करंट टाइम पर दोस्तों पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की प्रोफेसर भी हैं, थानू पद्मनाभन। क्लियर है? तो इनके ब्रह्मांड में इनकी जो ब्रह्मांड साइंस पर इनका जो योगदान है उसके लिए इनको दिया गया है MP बिरला मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, इस पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत हुई थी 1993 से शुरुआत हुई थी MP बिरला मेमोरियल अवार्ड की, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु पर पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं एक्सप्लेन करके। कुछ दिनों से बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे डिटेल में लिख रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे ही आप लोग भी लिखा करो। डिटेल में लिखने से होता क्या है, एक तो चीज़ें आपसे भूलती नहीं है, दूसरी आपके कमेंट को जो लोग पढ़ते हैं उनका भी फायदा हो जाता है, उनको भी बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, तो इस वजह से आप लोग डिटेल में ज़रूर कमेंट करके लिखा करो। ओके, तो दोस्तों बस ये रही हमारी आज की करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप लोग PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हो तो फिर नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.